लें जी, एक और आउट हो गया। अच्छा मैच फर्स्ट तो कह दी 16 रन चाहिए 6 बॉलों के ऊपर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज जी काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, ऑफिस की रूटीन काफ़ी बिजी हो चुकी है। और इससे पहले भी जो व्लॉग किए हैं वो बागम दौड़ के अंदर ही किए हैं। तो इस दफ़ा मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि बाहर आने के बाद क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको मैं अभी वैल्यू करता हूँ या जिनकी मुझे याद आती है। अगर सबसे बड़ा तो सेक्रीफाइस ये है कि हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बाहर कोई जॉब की तलाश में आया है और कोई स्टडी के लिए आता है। और सबसे ज़्यादा जो आप कास्ट पेयर करते हैं अदर देन फाइनेंस, आप अपने फैमिली से एंड पेरेंट्स से दूर, अपने दोस्तों से दूर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आई गेस इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी आपके खाने। किसी भी आप कंट्री में चल जाएँ, जो आपके अपने मुल्क के खाने हैं वो आप उनको बहुत मिस करते हैं। अभी जो यहाँ पे दुश्वारी होती है उसके बाद जो घर में जो भी आप खाना खाते थे वो आपको बहुत याद आता है उस चीज़ की। खासकर अपनी अम्मा जी के हाथ के बने पराठे, ये चीज़ें बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। और मैंने सोचा आज इसके बारे में बात की जाए। और इसी हवाले से मैं आज वीकेंड का टाइम है जी, आज संडे का दिन है, मैं ज़रा बाहर निकला हूँ। चलो हमने कहा यार अपने दोस्तों से भी मिल लें और साथ में कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान की याद भी ताज़ा हो, अपने मुल्क की याद ताज़ा हो। ऑटम का सीज़न स्टार्ट है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। अच्छा जो ऑटम का सीज़न है इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी तो होती नहीं है यहाँ पर, और सर्दी के अंदर बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती कि बाहर ग्रीनरी भी नहीं होती। अभी भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं दरख्तों के पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं, और एक खूबसूरती है वो भी नेचुरल जाती रहती है। तो आप ज़रा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को मिल सकें, कहीं पर बाहर बैठ जाएँ, कुछ खाना पीना कर लें, यही एक्टिविटीज़ हैं। आपको चल के मैं दिखाता हूँ, आज भी मेरी एक्टिविटी इसी तरह की है। आज एक बड़ा स्पेशल डे भी है, वो भी आपको चल के बताएँगे अगर मौका मिला तो। अभी मैं पहुंचा जी ऑस्ट्रेस वासे स्टॉप के ऊपर, ये जो वही एरिया जहाँ पे हमने सबसे पहले स्टे किया था। और यहाँ पे हम आए हैं जी पंजाबी जायका रेस्टोरेंट के ऊपर। संडे का दिन है, यहाँ पे हम देसी जो फूड है वो ट्राई करेंगे। और वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है, आज इंडिया और पाकिस्तान का टकरा भी है, वो भी मैच चल के आपको दिखाएँगे। इंडिया का चौथी विकेट गई। कप इंडिया पाकिस्तान के मैच लगा हुआ है जी, और इस टाइम पे कोई एलईडी पे मसला है तो हम देख रहे हैं मैच। 7 बॉलों में चाहिए 22 रन, लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा मैच फर्स्ट विकेट जी, 16 रन चाहिए 6 बॉलों के ऊपर। लास्ट ओवर की पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया, काफ़ी सनसनीखेज हो गया मुकाबला। दिखाते हैं आपको आगे, लाइव
इंडिया ने जीत लिया मैच। काफ़ी सस्पेंस था, आखिरी बॉल पे एक रन चाहिए था, कोई बात नहीं, गुड गेम। अच्छा खाने से जी मैं फ्री हो चुका हूँ, यहाँ पे हमने खाए हैं जी पाए और साथ ही जी हलवा पूड़ी नाश्ते के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज आई हुई थी यहाँ पे, और वीकेंड के ऊपर ऑफकोर्स टाइम होता तो लोग निकल आते हैं बाहर। और आज वर्ल्ड कप का मैच भी था जी पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा, जो कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो ओवर था पाकिस्तानी वो सही नहीं खेल सके, उसके अंदर दो वाइटें एक फ्री हिट थी, जिस वजह से मैच हार चुके हैं आज हम, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा एक टाइम आपने स्पेंड किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।